आज अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज सोने और चांदी के अंदर उठा पटक का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं कच्चे तेल में विदेशी बाजारों में खरीदारी लौटी है। कच्चा तेल एक बार फिर से $70 के पार पहुंच गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहां से कच्चा तेल $80 के लेवल को छुएगा या फिर यहां से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। ये सब जानेंगे हम आज, और साथ में ये भी जानेंगे कि सोने में कैसी रहनी चाहिए आज की चाल। सबसे पहले बात करें अगर सोने और चांदी की, तो सोने में आज विदेशी बाजारों में भी हल्की जो गिरावट देखने को मिल रही थी उसका असर डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल डॉलर में आ रही स्ट्रेंथ की वजह से सोने और चांदी के ऊपर दबाव गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर भी ऊपरी स्तरों से फिसली है, और वहीं घरेलू बाजारों की अगर बात की जाए तो घरेलू बाजारों में भी सोना और चांदी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुके हैं। आज सोना 47,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी 60,800 के नीचे कारोबार करती दिखाई दे रही है। फिलहाल सोने और चांदी के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते की तेजी के बाद हमने सोने के अंदर हल्की सुस्ती आते हुए देखी है और सोना अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़का है। हालांकि चीन का एवरग्रेंड संकट बढ़ने से इसकी चमक बढ़ सकती है, और वहीं डॉलर के अंदर आ रही स्ट्रेंथ में अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो वो भी सोने को सपोर्ट देती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते सोने के अंदर वापस से खरीदारी की रणनीति देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आज इंट्राडे की अगर बात करें तो सोना दबाव में रह सकता है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सोना आज नीचे में 46,600 तक जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 60,400 से लेकर 60,800 की आज इंट्राडे में रेंज देखने को मिल सकती है। शुरुआती कारोबारी दौर में चांदी ऊपर से 200 अंकों से ज्यादा की फिसलन के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। बहरहाल फर्स्ट हाफ में ये गिरावट बढ़ सकती है, तो सोने और चांदी के अंदर आज गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात कच्चे तेल की जाए तो कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों से डोमेस्टिक मार्केट में तो फिसला है, लेकिन विदेशी बाजारों में इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। कल ओपेक की बैठक शुरू हुई थी और बैठक में से पहले ही क्रूड में सुस्ती देखने को मिली थी। माना जा रहा था कि ओपेक देश मिलकर उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया है, जिसकी वजह से विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के अंदर वापस से तेजी बनती हुई दिखाई दी। और कच्चा तेल WTI $70 तो ब्रेंट $81 के पार पहुंच चुका है। तो ब्रेंट क्रूड जल्द ही $82 से लेकर $85 तक भी जा सकता है, और वहीं अगर क्रूड WTI की बात करें तो ऊपर में $78 के बाद $80 के लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। जबकि आज घरेलू बाजारों में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है, इसी लेवल के ऊपर खरीदारी करके चलने में फायदा देखने को मिल सकता है। यहां पर माना जा रहा है कि क्रूड हो सकता है आज फर्स्ट हाफ में आपको 5780 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि ऊपर में 5840 से 5860 तक जा सकता है। वहीं अगर बात करें हम बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाजार अभी भी तेजी के साथ। अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर 700 के ऊपर है। कल की तेजी आज थमती हुई दिखाई दी है। एक बार कॉपर फिर से 716 से 717 की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यहां से कॉपर में एक वापिस से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। और आज इंट्राडे में जो रेंज देखने को मिल सकती है 712 से लेकर ऊपर में 724 तक की ये अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। वहीं अगर बात करें निकल की, तो 1380 से 1420 के बीच में निकल भी आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिंक की बात करें तो जिंक में तेजी है, 258 से 260 के स्तर आज जिंक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। तो नॉन एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। कच्चे तेल के साथ साथ आज जिंक के अंदर भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि जिंक में भी यहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है।